देश की जनता को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मिल चुका है। इस बीच बिहार के लिए पेश हुए बजट ने खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ऐसा हुआ तो नहीं, बावजूद इसके बिहार में बहार है, पर ऐसा क्यों? चलिए हम आपको बताते हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को लेकर कुछ बड़े ऐलान किए, खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। इसमें पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे को भी शामिल किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके लिए फंड की भी घोषणा की गई। वैसे तो बिहार बेहद सुर्खियों में रहता है। वजह है सड़क पर बने पुल, जो ताश की पत्तों की तरह बिखरते रहते हैं। अब बजट में पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे को शामिल किया गया है। इसी कड़ी में लोकलिटी ने बिहार की राजधानी पटना के लोगों से खास बातचीत की। इस पर उनकी क्या राय है, आइए आपको सुनाते हैं। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे हो जाने से सबसे पहला फायदा तो आपको जनता को मिलता है। जो भी अभी जा रहे हैं, दूरी तय करती है 10 से 11 घंटा कम से कम लग जाता है, वो 5 से 6 घंटे में दूरी तय होगी, तो 4 से 5 घंटा तो ऐसे सेव हो गया। और दूसरा कि जो अभी थोड़ा सा जर्किन है, मना मालिक के दृष्टिकोण से भी, वो टायर का या इंजन का जो खराबी आता है वो नहीं होगा एक्सप्रेसवे में, तो आराम तो बहुत ज़्यादा होगा। और ये अभी चूँकि 4 लेन से जो जाती है वो मुजफ्फरपुर होते हुए, समस्तीपुर होते हुए, फारबिसगंज अररिया होते हुए पूर्णिया जाती है, तो ये रूट इसी को कंटिन्यू करता है या एक्सप्रेसवे को कोई दूसरे रास्ते से ले जाता है, तो वो भी दूरी के हिसाब से भी डिस्टेंस का भी कमी आएगा कुछ ना कुछ। और दूसरा ये भी है कि जब ओनर को बुझाएगा कि भाई हमको दूरी कम लग रहा है, डीजल कम जल रहा है, तो वो कस्टमर पर जरूर इनडायरेक्टली जाएगा कि अगर यहाँ से एक्सप्रेसवे हो जाता है तो इसमें आदमी को बहुत सहूलियत होगा, एक समय बचेगा, दूसरा आरामदायक महसूस होगा, और तीसरा अगर कंपनी को 10 रुपया बचेगा तो किराया भी 10 रुपया कम होगा। एक्सप्रेसवे बनने में इतना फ़ायदा होगा आम पब्लिक को। रूट तय होता है यहाँ से हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा होते हुए अररिया, फारबिसगंज होके पूर्णिया तक पहुँचते हैं। अभी 8 से 10 घंटा लगता है। अगर एक्सप्रेस वे हो जाएगा तो 5 से 6 घंटे में पटना से पूर्णिया पहुँच जाएंगे, और अभी पटना से पूर्णिया जाने में 600 रुपये किराया है एक सीट का। अगर मालिक को 2 रुपया बचत होगा तो पब्लिक को 2 रुपया कम होगा। बता दें, बक्सर से लेकर भागलपुर के बीच और बोधगया से राजगीर वैशाली होते हुए दरभंगा तक भी हाईवे बनाने का ऐलान किया गया। इससे गया, नालंदा और दरभंगा समेत कई जिलों को फायदा मिलेगा। वहीं बक्सर में गंगा नदी पर 2 लाइन का एक पुल भी बनाए जाने की घोषणा की गई। बिहार में बाढ़ की समस्या का समाधान भी निकलेगा। इसके लिए भारत सरकार नेपाल के साथ मिलकर काम करेगी। राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए इस बजट में 11,500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। लोकल 18 के लिए पटना से सचिदानंद की रिपोर्ट।